हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे निफ्टी ऑप्शन प्राइसिंग एंड ग्रीक्स के टॉपिक पर, जो कि निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। ये वीडियो आपको ऑप्शन प्राइसिंग और ग्रीक के कंसेप्ट समझाएगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन प्राइसिंग और ग्रीक्स को समझना ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन प्राइसिंग जो है, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं जो कुछ वेरिएबल्स को यूज़ करके एक ऑप्शन की थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम आगे जाकर देखेंगे। जहाँ तक ग्रीक्स का सवाल है, ये आपको ऑप्शन की सेंसिटिविटी बताते हैं अलग अलग फैक्टर्स के कारण। पहले हम ऑप्शन प्राइसिंग के बेसिक को समझेंगे। निफ्टी ऑप्शन प्राइसिंग, ऑप्शन प्राइसिंग यानी कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस का हम कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन ले रहे हैं, उसका जो प्रीमियम है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू को हम टाइम वैल्यू भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकाली जाती है। वो निकलती है करंट निफ्टी प्राइस, निफ्टी इंडेक्स का जो करंट प्राइस चल रहा है, जिसको हम स्पॉट प्राइस भी कहते हैं, माइनस दी स्ट्राइक प्राइस जिसकी हमने कॉल ली है। तो जो वैल्यू आई वो इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है। पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस को माइनस करते हैं, जो वैल्यू आई वो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, अगर निफ्टी इंडेक्स 23,500 पर है और आपके पास 23,400 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है, तो 23,400 स्ट्राइक प्राइस पर जो भी प्रीमियम में आपने लिया होगा, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ₹100 होगी, क्योंकि इसमें 23,500 में से हम 23,400 को माइनस करेंगे, क्योंकि 23,500 पे हमारा निफ्टी है, दैट इज स्पॉट प्राइस, माइनस 23,400 जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है। अब हम टाइम वैल्यू की बात करते हैं। टाइम वैल्यू इज इक्वल टू ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। अब जो फैक्टर्स टाइम वैल्यू को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, टाइम वैल्यू का मतलब याद रखना एक्सट्रिंसिक वैल्यू। जो फैक्टर्स एक्सट्रिंसिक वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, वो होते हैं वॉलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी एंड इंटरेस्ट रेट्स। वॉलेटिलिटी मतलब अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो टाइम वैल्यू बढ़ जाती है। टाइम टू एक्सपायरी में, एक्सपायरी तक जितना ज़्यादा टाइम होगा, मतलब डेज टू एक्सपायरी जितनी होगा, जिसको हम DTE भी बोलते हैं, टाइम वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। इंटरेस्ट रेट्स का इफेक्ट कैसे पड़ता है कि इंटरेस्ट रेट के चेंज से भी ऑप्शन प्राइसिंग इफेक्ट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑप्शंस प्राइसिंग थ्योरीज। कई तरह की ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स हैं, जैसे कि ब्लैक शोल्स मॉडल, बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, मोंटे कार्लो सिमुलेशन एक्सेट्रा। अब इनमें एक बेसिक प्रोबेबिलिटी समझनी जरूरी है, वो ये है कि उसको बोलते हैं रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, जो कि ऑप्शन प्राइसिंग में यूज़ किया जाता है। अब रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी होती है कि एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिससे कि रिस्क एडजस्टेड फ्यूचर आउटकम्स को लिया जाता है, कि फ्यूचर में क्या आउटकम आने वाला है मार्केट में, प्राइसिंग में, वेरियस रीजंस के कारण, और उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है, उन सबको लेकर के इसको बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर आउटकम्स। अब इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं ना रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी, इसके दो मेन अजम्पशंस हैं, है ना। पहला है कि द करंट वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू इट्स एक्सपेक्टेड पे ऑफ डिस्काउंटेड एट रिस्क फ्री रेट। अगर मतलब कहने का क्या हुआ कि किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का जो करंट आज का वैल्यू है, वो उसकी फ्यूचर में जो भी कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, उन सब को उसमें से रिस्क को माइनस करके ऐड कर दिया जाता है, वो उसकी करंट वैल्यू होती है। एंड मार्केट के अंदर कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर भी कोई डिफरेंशियल नहीं है एसेट के प्राइसिंग में, एक मार्केट से कंपेयर करें अगर दूसरे मार्केट में। तो ये दो मेन अजम्पशंस होती हैं। अब हम थोड़ा सा ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थ्योरी है ब्लैक स्कोल्स मॉडल। ये मॉडल ऑप्शन प्राइसिंग कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही पॉपुलर है। अब इसमें जो फैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं वो है करंट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम टू एक्सपायरी, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट एंड वॉलेटिलिटी। अब ये जो मैथमेटिकल फार्मूला है, इससे यूरोपियन कॉल एंड पुट, जिसमें जो निफ्टी ऑप्शंस है वो यूरोपियन कॉल्स होती है या पुट्स होती है, यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं, उनकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। और उनका फॉर्मूला इस तरह से, कॉल के लिए सी फॉर्मूला मैंने आप देख सकते हैं, सी इज इक्वल टू एस ई रेज टू पावर डेल्टा टी एन ब्रैकेट में डी वन माइनस के ई रेज टू पावर आर टी एन डी टू, और पुट के लिए के ई आर टी एन ब्रैकेट में माइनस डी टू माइनस एस ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा टी एन ब्रैकेट में माइनस डी वन। इसमें वेरिएबल्स यूज हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो एस है, एस रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट एट करंट मार्केट। के इज स्ट्राइक प्राइस, इज द प्राइस एट विच एन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज, मतलब के स्ट्राइक प्राइस है। जो सिग्मा है वो वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द सिक्योरिटी प्राइसेस विल मूव इन सब्सिक्वेंट पीरियड्स। जो वॉलेटिलिटी है वो सबसे ट्रिकी इनपुट होती है ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल के लिए, क्योंकि जो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी है वो कोई मोस्ट रिलायबल इनपुट नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर में हमें पता नहीं होता कि कब वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर जाएगी या कब डिक्रीज कर जाएगी ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। फिर टी होता है टाइम टिल एक्सपायरी, फिर आर होता है इंटरेस्ट रेट, वो होता है रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, जो हमें रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है। डेल्टा इज डिविडेंड यील्ड, पर ये डिविडेंड यील्ड ओरिजिनली मेन मॉडल में नहीं था, पर इसको बाद में ऐड किया गया। जो एन डी वन है ब्रैकेट में, वो है रिस्क एडजस्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग दी स्टॉक एट एक्सपायरेशन ऑफ द ऑप्शन। K
कि अगर वो ऑप्शन इन द मनी में चले जाता है तो, और ND2 जो है वो है रिस्क एडजस्टेड प्रोबेबिलिटी कि ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज होगा। जो बाइनोमियल मॉडल है ये मॉडल मल्टीपल टाइम पीरियड में ऑप्शन प्राइस को डिवाइड करके कैलकुलेट करता है। ये डिफरेंट पॉसिबल पाथ्स को कंसिडर करता है जो अंडरलाइंग एसेट प्राइस एक्सपायरी तक ले सकता है। तो ये ब्रीफली है, अभी इन सारे मॉडल्स को मैथमेटिकली फॉर्मूले में डाल करके हम एक प्राइस पे आते हैं। अब डिस्कस करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स को। जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं वो मैट्रिक्स होते हैं जो ऑप्शन की सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं, यानी कि ऑप्शन ग्रीक से हमें जो रिस्क इन्वॉल्व हैं ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन की वेरियस स्ट्रेटजीज बनाने में उनका एक नज़रिया प्रदान करते हैं। अगर हम ग्रीक्स को देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें हमारा रिस्क कितना इन्वॉल्व है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ द मार्केट। सबसे पहले आता है डेल्टा। जैसा पहले बताया गया, डेल्टा मेजर करता है कि ऑप्शन प्राइस कितना चेंज होगा जब अंडरलाइंग एसेट की प्राइस चेंज होती है। कॉल ऑप्शन का डेल्टा जो होता है उसका जो रेंज होती है कॉल ऑप्शन की वो 0 से 1 होती है, या उसको 0 से 100 भी ले लो अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं। पुट ऑप्शन की जो रेंज है वो -1 से 0 या -100 से 0 के बीच में होती है। फॉर एग्जांपल समझने के लिए, अगर निफ्टी कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है जो कि ATM पर होता है और निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो ऑप्शन का जो प्राइस है वो 50 रुपये के हिसाब से चेंज होगा। अगर यही 0.5 की जगह 0.4 होता तो वो 40 के हिसाब से मूव करता है, मतलब जब 100 पॉइंट निफ्टी मूव कर जाएगा तो कॉल ऑप्शन सिर्फ 40 पॉइंट बढ़ेगा। इसी तरह से अगर हम पुट ऑप्शन को देखें, यहाँ पे अगर पुट ऑप्शन का डेल्टा -5 होता तो उसका मतलब ये होता है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ता है तो उस पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 50 रुपये नीचे कम हो जाएगा। तो इसका माइनस का मतलब होता है कि निफ्टी के बढ़ने पर पुट ऑप्शन का प्राइस गिर रहा है और निफ्टी के बढ़ने पर कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ता है। अगर हम फिजिक्स टर्म्स में बात करें तो जो डेल्टा है वो एक तरह से ऑप्शन प्रीमियम की मूवमेंट की वेलोसिटी है, की स्पीड है इन कंपैरिजन टू द मूवमेंट ऑफ द अंडरलाइंग एसेट यानी कि निफ्टी। अब हम गामा की बात करते हैं। अगर डेल्टा वेलोसिटी या स्पीड है तो गामा उसका एक्सेलरेटर है, मतलब गामा डेल्टा को एक पर्टिकुलर स्पीड से बढ़ाना शुरू कर देता है जैसे जैसे जो स्ट्राइक है जिस पे भी हमने पोजीशन बनाई है वो इन द मनी या आउट ऑफ मनी होने की शुरू होती है। गामा मेजर करता है कि डेल्टा कितना चेंज होगा जब निफ्टी 50 की प्राइस चेंज होती है। गामा हायर होता है उन ऑप्शंस के लिए जो एट द मनी होते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर कॉल ऑप्शन का गामा 0.05 है और निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो डेल्टा 0.05 यानी कि 0.05 × 100 यानी कि 5 पॉइंट से चेंज होगा। अब डिस्कस करते हैं थीटा को। थीटा मेजर करता है कि ऑप्शन प्राइस कितना चेंज होगा विद पैसेज ऑफ टाइम। थीटा को हम टाइम डीके भी कहते हैं। जो थीटा है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है लॉन्ग ऑप्शंस के लिए। लॉन्ग ऑप्शन मतलब जब हम ऑप्शंस को बाइंग करते हैं, बायर के लिए थीटा हमेशा नेगेटिव होता है और एक कल्प्रिट का काम करता है क्योंकि टाइम डीके के साथ ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू कम होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कॉल ऑप्शन का थीटा -0.02 है तो ऑप्शन प्राइस हर दिन 2 रुपये से कम होता रहेगा। अब डिस्कस करते हैं वेगा। वेगा मेजर करता है कि ऑप्शन प्राइस कितना चेंज होगा जब इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी यानी कि IV चेंज होता है। हायर वॉलिटिलिटी में हायर वेगा होता है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि अगर वेगा 0.1 है और वॉलिटिलिटी 1% से ज़्यादा इंक्रीज होती है तो ऑप्शन प्राइस 10 रुपये के हिसाब से यानी कि 0.1 × 100 से इंक्रीज होगा। अब डिस्कस करते हैं रो। रो मेजर करता है कि ऑप्शन प्राइस कितना चेंज होगा जब इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं। कॉल ऑप्शन पॉजिटिव रो होता है और पुट ऑप्शन नेगेटिव रो होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कॉल ऑप्शन का रो 0.05 है और इंटरेस्ट रेट 1% से इंक्रीज होता है तो ऑप्शन प्राइस 5 यानी कि 0.05 × 100 से इंक्रीज होगा यानी कि 5 रुपये उसका प्राइस बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम इस ग्रीक की जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज हमने ली है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि इस ग्रीक की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम स्ट्रेटजीज किस तरह से बना सकते हैं, यानी कि अब हम ग्रीक्स को यूज़ करके प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर डेल्टा यूज़ करके बनानी हो तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजीज को यूज़ करके हम मार्केट डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। यानी कि डेल्टा न्यूट्रल का मतलब हुआ कि नेट डेल्टा इज़ 0। आपको पता है ATM पर कॉल ऑप्शन का डेल्टा +5 होता है, पुट ऑप्शन का डेल्टा -5 होता है। तो अगर आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन ATM का बाय करोगे तो नेट ऑप्शन उस स्ट्रेटजी का विल बी 0, तो इट विल बी नोन एज डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पोर्टफोलियो का नेट 0 है डेल्टा,
तो आप मार्केट के मूव से अनअफेक्टेड रहेंगे। तो नॉर्मली इसको कब यूज़ किया जाता है, जब हम मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट को, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मार्केट साइडवेज रहेगी और जो जो स्ट्रेटजिस्ट है वो इसलिए स्ट्रेटजी बनाते हैं ताकि वो मूवमेंट से ना कमा करके थीटा से इसमें अर्न करें, पर वो डायरेक्शन बनती है डेल्टा यूज करके। तो हम गामा पे, आपको पता है गामा एक्सेलरेटर है जो डेल्टा को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, यानी कि अगर गामा तेज़ी से बढ़ा, जिसको हम बोलते हैं गामा ब्लास्ट, तो डेल्टा ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और डेल्टा बढ़ेगा तो जो भी आपकी पोजीशन है अगर कॉल की है तो वो एकदम से मोमेंटम तेज हो जाएगा, पुट की है तो नेगेटिव साइड में मोमेंटम तेज होगा और आपको लॉस दे देगा। तो जब भी एक गामा ब्लास्ट यानी कि हाई गामा ऑप्शन हम लेते हैं, जब भी हमें कोई क्विक मूवमेंट एक्सपेक्टेड होता है या उससे हमें फ़ायदा लेना होता है, स्पेशली अराउंड स्टॉक्स की अगर बात करें तो कोई अर्निंग अनाउंसमेंट या इस तरह का कुछ होता है, या मेजर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इवेंट कोई हो रही हो, तो इनको बोलते हैं हम गामा स्ट्रेटजीज। अब डिस्कस करते हैं थीटा यूज़ करने वाली स्ट्रेटजीज। अभी हमने देखा था कि जो थीटा होता है, जो भी लॉन्ग ऑप्शन पोजीशंस होती हैं, चाहे हमने कॉल बाय किया है चाहे पुट बाय किया है, मतलब कि कॉल लॉन्ग किया है चाहे पुट लॉन्ग किया है, उस केस में थीटा इज़ ऑलवेज नेगेटिव। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा ऑप्शन की वैल्यू, ऑप्शन का प्रीमियम थीटा के कारण गिरता चले जाएगा, इसको बोलते हैं टाइम डीके। और यदि हमने थीटा कमाना हो, मतलब कि थीटा डीके को ट्रैक करके आप टाइम डीके का फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसके लिए आपको शॉर्ट ऑप्शन स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, जैसे कि कवर्ड कॉल स्ट्रेटजीज हैं, शॉर्ट आयरन कंडोर हो गया, शॉर्ट आयरन फ्लाई हो गया, और या शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल, देयर आर एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज जिसको यूज़ करके हम नेट थीटा पॉजिटिव होते हैं और थीटा से अर्न करते हैं। यूजिंग वेगा, दोस्तों वेगा का यूज़ करके हम वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाई वेगा ऑप्शंस को बाय करना बेनिफिशियल होता है किसी भी मेजर न्यूज़, मेजर इवेंट से पहले, जबकि वॉलेटिलिटी इंक्रीज होनी एक्सपेक्टेड है, जैसे कि हमने एग्जिट पोल के टाइम पर या इलेक्शन के रिजल्ट से पहले देखा था, एकदम से वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई थी, तो उसके अंदर जो हाई वेगा ऑप्शंस होते हैं वो बहुत बेनिफिट दे देते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रो। एक्चुअली इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बहुत टाइम टाइम के बाद में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है जिसमें इंटरेस्ट रेट चेंजेस की बात की जाती है। वैसे इंटरेस्ट रेट चेंजेस को एंटिसिपेट करके हम रो का यूज़ करके ऑप्शन प्राइसिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, स्पेशली जहाँ पर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव मार्केट्स होती हैं। दोस्तों इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पर। आज हमने ऑप्शन प्राइसिंग के फैक्टर जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को कवर किया। हमने ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरीज को देखा, जैसे कि ब्लैक शूज, बाइनोमियल थ्योरीज, और हमने ग्रीक्स जैसे कि डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो को डिटेल में समझा और उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन डिस्कस किए। इन मैट्रिक्स को इफेक्टिवली यूज़ करके आप अपने ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं और मार्केट मूवमेंट्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आपको एक एक्सपर्ट ऑप्शन ट्रेडर बनने में मदद करेगी, और अगर आपको एक बार में समझना है तो आप थोड़ा सा रिपीट करके, थोड़ा स्लो मोड में करके इसको सुनिए, हो सके तो कुछ नोट्स बनाइए, ये आपको बहुत मददगार होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को रेगुलर प्रैक्टिस करें। हैप्पी ट्रेडिंग।